चाहे इंसान हो, पशु हो या कोई भी जीव हो, सब में प्रतिरक्षा तंत्र होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र ही जीवों को अन्य जीवों से होने वाली हानि से बचाता है। उदाहरण के तौर पर जब हमें सर्दी जुकाम होती है वायरल इन्फेक्शन से, और कुछ दिनों में सर्दी जुकाम ठीक भी हो जाती है जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में वायरसेस को मार देती है। आज वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पेड़ पौधों में भी प्रतिरक्षा तंत्र होता है, पेड़ पौधे इंसेक्ट से खुद को कैसे बचाती है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। पेड़ पौधे और कीड़े 350 मिलियन साल पहले से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब पौधों ने बाह्य हानिकारक कणों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित कर ली है। जीव जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधों भी हानिकारक खतरों के सिग्नल को पहचानना सीख गए हैं। हर्बीवोर यानी पेड़ पौधे खाने वाले जीवों के प्रति इम्यूनी रिस्पॉन्स दर्शाते हुए विशेष रक्षात्मक आकार खुद में विकसित कर लिया है। टॉक्सिक प्रोटीन या रिपेलेंट विकसित कर लिया है जिनका शाकाहारी जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पौधों में मैकेनिकल प्रोटेक्शन के तौर पर रोएं, ट्राइकोमी, कांटे और मोटी पत्तियां होती हैं। पौधों में हानिकारक जीवों से बचाव के लिए टॉक्सिक केमिकल के तौर पर टर्पिनोइड, एल्केलोइड, एंथोसायनिन, फेनॉल्स, क्यूनोन बनते हैं जो कीड़े को मार देते हैं या कीड़े के विकास को रोक देते हैं। फेनॉल रक्षात्मक तंत्र की तरह काम करता है शाकाहारी कीड़ों के प्रति, सूक्ष्म जीवों और प्रतिस्पर्धा करने वाले पौधों के प्रति। बंद गोभी के पत्ते तितली के अंडों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं।